बात करेगा, जो भी हमारी ओल्ड पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। पेंशन नहीं दोगे तो हम टेंशन देंगे। और अभी कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश में ऐसी एक तदबीर एक तारीख लिखी, अडानी ने डुबो दिया, पेंशन कहां से मिलेगी? ये सोचना होगा उन्हें जो देश को, ये सोचना होगा उन्हें जो देश का इस्तकबाल तय कर रहे थे, जो देश की इबादत लिखने आए थे, जो झोला दिखा रहे थे, जो कह रहे थे 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज उन्हें तय करना होगा कि वह गद्दारों के साथ है या देशभक्तों के साथ है। धर्म की चाशनी बहुत हो गई, जाति का पैबंद बहुत हो गया, ऊंच नीच की लड़ाई बहुत हो गई। अब तो लड़ाई सरकार की और कर्मचारियों की है। पूरा देश सामने आज जंतर मंतर गूंज रहा है, कल पूरा आवाम गूंजेगा और गली गली में शोर होगा कि जो चोर है उसे चोर को, जो चोर है उसे चोर। अडानी का विरोध करेगा वो देश का विरोध करेगा। अडानी ने अपना नाम बदल के भारत माता कब लिखा? अडानी ने अपना नाम बदल कर हिंदुस्तान कब रख लिया? अडानी ने अपना नाम बदल के आर्यव्रत कब कर लिया? अडानी हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है भगत सिंह, हिंदुस्तान है बाबा साहेब अंबेडकर, हिंदुस्तान है लाला लाजपत राय, हिंदुस्तान है महात्मा गांधी, हिंदुस्तान है इंदिरा गांधी, हिंदुस्तान कोई अंबानी और अडानी नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं कि अडानी पर हमला देश पर हमला है, वो देश के नायक नहीं, वो खलनायक है, वो देश के गद्दार है। कहाँ जा रहा है अडानी के साथ? आप जैसे लोग साजिश कर रहे हैं, इस वजह से उनको नुकसान हो रहा है। हे मालिक, आपकी जुबान को मुबारक हो, मेरे को इतना बड़ा बना दे टॉप 10 में, मुझे भी कर दे कि मैं उसके खिलाफ साजिश कर दूं, या मेरी कलम इतनी मजबूत हो जाए कि मेरी कलम हिंडनबर्ग जैसी कलम हो जाए कि मैं किसी का ताज उखाड़ लूं, मैं इतना मजबूत पत्रकार हो जाऊं कि मैं लिखूं तो अडानी का सिंहासन कांप जाए, मैं ऐसी गोदी मीडिया से बाहर निकल जाऊं कि मैं बोलूं तो सरकार के तख्त और ताज कांप जाए। मैं पत्रकारों को चुनौती देता हूं कि जब पत्रकार जागता है, जब पत्रकार जागता है, एक ईमानदार पत्रकार बाहर आता है तो तक तो ताज बदल जाते हैं। गोदी मीडिया कौन है? बैंकों का पैसा डूब रहा है लेकिन मीडिया बिल्कुल चुप है। वो चुप ही रहेंगे, उन्हें चुप रहने की तनख्वाह मिलती है साहब, बोलने की तनख्वाह तो आप सब ले रहे हो, आप सब पसीना बहा रहे हो। ये सोशल मीडिया में आपका इस्तकबाल करता हूँ, आप मुसीबतों में परेशानियों में, आपको एक मिनट में डर है कभी भी FIR दर्ज हो जाएगा, आपको डर है कोई भी घेर लेगा, कोई भी हमला कर सकता है, लेकिन हमलों की परवाह किए बिना इस काली रात में अगर दिया जला के कोई चल रहा है तो आप सब सोशल मीडिया के लोगों, आप दिया नहीं हो, दीपक नहीं हो, मीडिया का सूरज हो, आप मीडिया का सूरज हो। सोशल मीडिया तो बंद हो रहा है ना, बजट में आपका ध्यान रखा जाएगा। मेरी उम्मीद, मैं सीतारमण जी को साफ साफ कहता हूँ, अगर बजट में हमें नज़रअंदाज किया जाएगा तो 24 में हम उन्हें नज़रअंदाज कर देंगे। लड़ाई आर पार की है ना, सीधी सीधी नहीं करना, साफ साफ कहना और सुखी रहना। ये जुमलेबाजों के दिन लद गए हैं, ये धोखेबाजों के दिन लद गए, ये गद्दारों के दिन लद गए हैं, अब मजदूर और कर्मचारियों का दिन है, ये जाग गए हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर से बिगुल फूका है, कल पूरे देश में ऐसे बिगुल सुनाई देंगे। ये तो 24 में भी कहा था आपने, चमत्कारी बाबा के पास जाइए ना, सारी समस्याओं का हल है। मैं आज से आपको चमत्कारी बाबा कहता हूँ और आपके शरण में आया हूँ। 24 में भी कहा था ये बातों के मोदी नहीं आएगा, ऐसा मोदी। देखिए, कोई भी मजबूत इमारत बनने में और किसी भी मजबूत इमारत को गिरने में वक्त लगता है, लेकिन उम्र तो बरगद के पेड़ की भी होती है, वो भी ढह जाता, वो भी गिर जाता, वो भी चरमरा जाता है। कहते हैं ना, गरीब की आह इतनी बुरी होती है कि बड़े बड़े लोग सूख जाते हैं। साहब, आज यहाँ करोड़ों लोग आह दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, देश के लुटेरों को कोस रहे हैं, अब ये लुटेरे राज नहीं कर पाए। सीमेंट के पिलर बनाए हैं, गिरेगा नहीं आसानी से, गरीबी तो सरकार बना रहे हैं। देखिए, अगर गरीब सरकार बना रहे होते तो गरीब आज जंतर मंतर पर सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। सकता है बहक के सबक से, जुमलेबाजी और झांसे राम के झांसे में आकर कुछ लोगों ने वोट दे दी होगी, कुछ लोगों ने धर्म की चाशनी का स्वाद चख लिया होगा, कुछ जाति के रंग में बह गए होंगे, लेकिन मैं नौजवानों, युवाओं, कर्मचारियों को कहता हूँ कि अगर पेट की आग नहीं बुझेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तो ऐसे अंधभक्तों को क्या चुनने की जरूरत, ये चाहे कोई भी हो, कोई भी निशाना इनका हो। लोग बोले वो नहीं कर रहे, पार्टी वाले कर रहे हैं। धर्म बचेगा तभी देश बचेगा। धर्म जरूरी, देश जरूरी, इसकी बात नहीं है, लेकिन पेंशन जरूरी है। धर्म और
राज के बीच में पेंशन जरूरी है। हाँ, अगर पेंशन मिलेगी तो तख्ता भी बचेगा, ताज भी बचेगा, लाज भी बचेगी, सरकार भी बचेगी। वरना हिमाचल प्रदेश का उदाहरण आप सबके सामने है, हिमाचल प्रदेश में यही घमंडी, यही पाखंडी, यही जुमलेबाजों को हटा के एक नई सरकार का जन्म हुआ। गुजरात का भी तो उदाहरण है, कितने पूर्ण बहुमत से जीती है, गुजरात का उदाहरण भी दे दीजिए। गुजरात का उदाहरण ये आप कह रहे हो, लेकिन बीजेपी का जो मंथन है, जो थिंक टैंक है, वो ये कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ। गुजरात का उदाहरण भी तो दीजिए, प्रचंड गुजरात नहीं है। गुजरात का ये भी उदाहरण दे दीजिए कि एक एक मिनट में 16-16 वोट भी पड़ी हैं। ये उदाहरण भी आप लोगों ने खबरें दिखाई हैं। ये उदाहरण आप देते हुए आपके मुंह में दही क्यों जम जाती है? क्यों नहीं बताते कि ये कैसे हुआ था? एक मिनट में 16 वोट कहाँ से पड़ी थी? ये क्यों नहीं बताते? मैं कह रहा हूँ देखिए कि माना अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कब मना है। मोदी जी, हमने ही सीखा था, हम लंका फूकने वाले लोग हैं, वो चाहे रावण की हो या विभीषण की हो, ये जलेगी फूकेगी। और एक दिन देखिए साहब, बड़ी शुरुआत करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। आज परिवर्तन है, कभी नहीं मोदी के खिलाफ 2014 में लोग बोलना नहीं चाहते थे, यही मोदी 2014 में आते थे, लोग टीवी से चिपक जाया करते थे। आज मोदी जी भाषण देने, मन की मार करने आते हैं, लोग टीवी बदल देते, चैनल बदल देते। ऐसे शक्ल से नफरत क्यों हो गई है? आपका काम ही आपका इस्तकबाल तय करता है, और मोदी जी का काम उनको उल्टी तरफ लेके जाना। कांग्रेस ने भी लागू नहीं करी थी। देखिए, हमारे भगवंत मान सरकार ने ये कहा है कि हम ओल्ड पेंशन देंगे, और दिल्ली में बोलने का मतलब तो एलजी बोलता है साहब, हमारे पास न घर है, न जमीन है, न सर्विस है, न नौकरी है, हम तो चार आने की सरकार चला रहे हैं। हमारे दोनों हाथ एक तरफ एमसीडी में पकड़ रखे एलजी ने, एक तरफ मोदी ने दबा रखा, फिर भी हम देश के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में सभी राजनीतिक दलों को कहता हूँ, जाति से धर्म से ऊपर उठ के जो मजदूर गरीब के साथ होगा वही देश पर राज करेगा। ओपीएस तो कांग्रेस ने भी लागू नहीं करी थी, फिर कैसे 24 में कैसे उम्मीद कर सकते हो? 29 में कांग्रेस आएगी तो वो लागू कर देगी। मैं कांग्रेस लाने की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। मैं मजदूरों की हक की बात करने आया हूँ, मजदूरों की लड़ाई करने के लिए आया हूँ, मजदूरों की बात रखने के आया हूँ, मजदूरों के दर्द को जिंदा करने आया हूँ। अगर मजदूरों के जख्मों पर मरहम नहीं लगे तो मजदूर मजबूर होकर वोट की चोट से आपको जख्मी करेगा। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। बीजेपी रोज नए नए जुमले करती है साहब, जुमलेबाजों के कितने जवाब देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।